खुशामदीद इब्ने हुर। बेशक तुम और तुम्हारे साथी ने जो कारनामे दिखाए हैं उससे मुख्तार की हुकूमत की बुनियाद हिल गई होंगी। आज से तुम बनी जुबैर की हुकूमत के खास सरदारों और मुशीरों में से हो। तुम्हारी शुजात और होशियारी एक ऐसी दोरुखी तलवार है जो मुख्तार और उसकी गासिब हुकूमत पर कारी जर्ब लगा सकती है। ममनून हूं जनाब मुसब। मेरा नया ख्वाब यह है कि आपके साथ आपके लश्कर में शामिल होकर जालिम कज़ाब सकफी और उसकी जाबिर हुकूमत की बसात को उलट कर रख दूं। खुदा ने चाहा तो उलट देंगे। ये मेरे छोटे भाई जाफर हैं। इन्हें देखकर खुशी हुई। तुमने देर कर दी, हम तो कल तुम्हारे मुंतजर थे। मुख्तार ने मेरी बीवी को कैद कर लिया था, मुझे मजबूरन कल रात महल के जिंदान पर शबखून मार के उसे आजाद करवाना पड़ा। क्या वाकई तुम कामयाब हो गए? जी हाँ, इस वक्त मेरी बीवी एक पुरान जगह पे है। मुख्तार को यह सब पता चला कि नहीं? यकीनन इस बात की खबर अब तक उसे मिल गई होगी। मरहबा मरहबा। फिर तो यकीनन मुख्तार और उसकी हुकूमत इस वक्त किसी मरने वाले की तरह जानकुनी की हालत में होगी। इब्राहिम इब्ने मालिक के अस्तर नखई की तरफ से फखरे शिया अमीर मुख्तार को दुरूदो सलाम हो आप पर। अम्माबाद, आपका खत मिला और हम उसके मजमून से मुत्तला हुए और ताज्जुब भी हुआ। बज़ाहिर मोसल और शाम की खबरें आपको गलत मौसूल हुई हैं। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान एक बड़ी फौज के साथ मूसल की जानिब आ रहा है। शामियों ने पिछली शिकस्त को बदरसानी का नाम दिया है और उसके इंतकाम के लिए खड़े हो गए हैं और अपनी सोच के मुताबिक एक दूसरी उहद रकम करना चाहते हैं। मूसल, तकरीत और दीगर शहरों के लोग हमारी मदद करने के जुर्म में कत्ल आम और माल और नामूस के लुटने की जद पर हैं और शदीद वहशत ज़दा हो गए हैं। इस वक्त मूसल को छोड़ना वही गलती होगी जो लश्करे खुदा ने जंग उहद में की थी। आप बेहतर जानते हैं कि मूसल को खो देना कयाम की कमर तोड़ देने वाला कदम होगा। बहरहाल आपका हुक्म सर आंखों पर, अमीर की मुदब्बिराना राय के मुंतजिर हैं। वस्सलाम। अच्छा, लश्कर शाम को यह आसमानी बिजली है जो शाम में कड़के की तो उसकी आवाज मूसल में सुनाई देगी। अबू मुफलिस, इब्राहिम को लिख भेजो कि क़याम की कमर तोड़ने का जो मसला आज सर पे खड़ा है वह मूसल और बसरे का मसला है। फौरन मूसल को छोड़ दे और बसरा की तरफ दौड़ पड़े। जी अमीर। खत के अंदाजे गुफ्तगू ने बरहम कर दिया। मुझे लगता है कि इब्राहिम मूसल को छोड़ना नहीं चाहता। मुमकिन है मूसल के लोगों की मोहब्बत ने उसे रोक लिया हो और वो उनकी नमक हलाली करना चाहता है। उसके दलाइल सुस्त, राय शुबहा से भरपूर और उसकी नाफरमानी भी दलेराना है। मुझे नहीं लगता कि वह मूसल से वापस आएगा। दिल मेला मत कीजिए, इब्राहिम उससे कहीं ज्यादा अकलमंद है कि पीठ दिखाना चाहे या खुदा न खास्ता खयानत का इरादा रखता हो। इक्तदार के लिबास में धोखा और फरेब बहुत होता है। मैंने एक चीज सीखी है कि हुकूमती मामलात में खयानत से बेखौफ होकर किसी पर भरोसा न करो। इस तरह तो मुझ जैसे लोग भी किसी इल्जाम या बददीनी की जद पर हैं। इनकामिल, साहिबान इक्तदार ज्यादातर खुद ही अपने आप को खंजर मारते हैं। मैं खुद पर रख के मिसाल दे रहा हूं ताकि इस कड़वे सच को मानना तुम्हें बुरा न लगे। अगर कभी तुमने ये सुना कि अमीर मुख्तार ने मुख्तार के साथ खयानत की है तो ताज्जुब न करना। मुझे यकीन नहीं आता अबू इसहाक, अमीर का ज़र शीशे का नहीं है जो टूट जाए। पत्थर से ज्यादा सख्त और हीरे से ज्यादा तेज धार रखता है। मैंने हमेशा अमीर की निगाहों में नफ्से अमारा को जलील पाया है।
इसका मतलब अभी तक तुमने शैतान को बखूबी नहीं पहचाना दोस्त। वो मुझे इख्तियार की लज्जत की जानी वसवासा नहीं करता। उसे मालूम है कि मैं अदल का आशिक हूं। नकाब अदल चेहरे पे डाल के अमीर मुख्तार को मुख्तार के दूर बदू खड़ा कर देता है। इतने से हाथ के कटे हुए सर की बजाय मुझे अमीर मुख्तार का सर दिखाता है। तुम कहां हो अबू इसहाक? हकीकत की बात कर रहे हो या ख्वाबो ख्याल की? जो शख्स खुदा के करीब होता है उसकी हकीकत और ख्वाब के दरमियान कोई झलक नहीं होती। जब हम डरावने ख्वाब देखने लग जाते हैं तो हम शैतान के करीब होते हैं। फिर इस वक्त क्याम की हुकूमत का शामियों से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा शाम की सरहदों की तरफ लश्कर कशी करने का मकसद इब्ने ज़ियाद था, जो बलुत्फ खुदा और आपकी और खुदा के लश्कर की मेहनतों के बायस वासिल जहन्नुम हो गया। फिलहाल फौरी और हतमी खतरा बनी जुबैर हैं, जिन्होंने मौला के कुछ कातिलों को पनाह दी हुई है और क्याम के खिलाफ सफाराई कर चुके हैं। इनसे मुकाबला करना फौरी तौर पर जरूरी है। बेहतर होगा कि आप फौरन बसरा के लिए रवाना हो जाए। खाम ख्याली है। इब्ने लुखैत। जी अमीर। हमारे खतूत के मजमून मुख्तार को बदले हुए क्यों पहुँचते? आपने जो हुक्म दिया था मैंने वो सब बगैर कमी पेशी के लिखकर उफे की जानिब भेजा था। ये लो, खुद ही पढ़ लो। मुख्तार का खत है। शाम की हारी हुई फौज, काफी सारा वक्त। मैंने कब शामियों के मुमकिन हमले के हवाले से कोई बात की? कुछ देर न होगी कि अब्दुल मलिक बरवान इब्ने मरजाना के इंतकाम के लिए एक बड़ी फौज तैयार कर लेगा। अंदर आ जाऊं भाई। आओ बैठो। ऐसा क्या लिख दिया उसने कि आते से बाहर हो गए? लिखा है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान को छोड़ दें और मुसब की तरफ निकल पड़े। तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तो फिर मैं पागल हूं जो घर बार छोड़कर अपने आशियाने से लाखों मील दूर जेरा और खुद पहनकर सोता रहा हूं सिर्फ एक एहतमाल की फिक्र में? अब्दुल मलिक मरवान सिर्फ एक वहम है। मैंने खामखा उसको अपनी पटतारी कर लिया है। जब मुख्तार की बैत में है तो उसकी इताअत करना लाजिम है। इतनी टाल मटोल क्यों कर रहे हो भाई? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मुख्तार को राजी करके मुसल में रुक जाता ताकि मरवानियों की ईंट से ईंट बजा सकूं। बाबा जान की कब्र की कसम, मैं अपने नजरियात का इजहार करके तुम्हारे और मुख्तार के रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता, मगर जब तुम्हें परेशान देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। तुमने मुख्तार और उसके क्याम की कुछ कम खिदमत नहीं की है। यह नाइंसाफी होगी कि वह तुम्हारी राय न सुने। तुमने मुख्तार और उसके क्याम की कुछ कम खिदमत नहीं की है। यह नाइंसाफी होगी कि वह तुम्हारी राय न सुने। वालेकुम अस्सलाम। दुरूद हो अली के सीना चाक आशिकों के अमीर पर। तुम पर भी खुदाबंद का दुरूद हो। बड़े जोश में हो क्या? क्या खबरें लाए हो? अच्छी खबरें हैं। तकरीबन दुश्मन के लश्कर की पूरी हैसियत और तादाद का हिसाब लगा गया है। मैं आपको दुश्मन की फौज की बिल्कुल सही तादाद को गिनती से और उनके खाने की अशिया को राई के दाने के हिसाब से और उनके घोड़ों और गधों की और ऊंटों की तादाद को
اور ان کی تلواروں ڈھالوں اور زروں کی ایک ایک کر کے تعداد بتا سکتا ہوں. ان کی مجموعی کیفیت بتاؤ. کوفے کے فراریوں میں سے دو لشکر ابن حر اور ابن اشس کی سرکردگی میں, تین لشکر حجاز سے مصعب اور اس کے بھائی جعفر کی سرکردگی میں, اور مصعب کی فوج کا سب سے خطرناک حصہ دو لشکر ہیں جو آواز سے آئے ہیں اور محلب کی سرکردگی میں, جو کہ ایک سیاستدان شخص ہے اور جنگی معاملات میں ماہر ترین شخص ہے. محلب نام تو کافی مشہور ہے اس کا, اور نہایت ہیلا گر بھی. دراصل محلب میدان کے پیچھے کا شخص ہے, درمیانی حصے کا نہیں. وہ سامنے والے رقیب کو کمزور اور ناتواں کرنے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے. بن کامل فیلفور تمام جنگی سرداروں کو بلاؤ. جی امیر. تم لوگوں کو جنگ کی بھوک کیا آ گئی؟ تم نے لوگوں کا چکا دار بھی چھپا رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر لوگوں کو لوٹ سکو. جسے تم خمس و زکات دیتے ہو اس سے گندم مانگو. سارا فساد میری وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ اے لوگوں, یہ لوگ پتھر دل ہیں, ان کے ضمیر مر چکے ہیں. عہد پڑ گیا ہے کیونکہ جنگ ہونے والی ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جاؤ اپنا رزق ان لوگوں سے مانگو جنہیں جنگ کی بھوک لگی ہوئی ہے. منافق اور منافق پر لعنت ہے. منافق ہو گے تم اور تمہاری سات پشتیں. لگتا ہے ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جنگ کی خبریں ملی ہوئی ہیں. یہ کوفیوں کی خاصیت ہے صاحب, گڑبڑ کی بھنک بھی پڑ جائے تو بازاروں کو خالی کر دیں. یہ محلب کی چال ہے احمد, اس نے اندر سے حملہ شروع کیا ہے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ محلب نے جنگ کا پہلا تیر کوفے کی جانب مار دیا ہے. بدنصیبی سے وہ کوفے کے لوگوں کے دلوں پہ جا لگا ہے. جنگ اور قحط سالے کے ڈر سے کوفے والے گویا ٹڈیوں کی طرح بازاروں پر ٹوٹ پڑے ہیں. کچھ بید نہیں کہ کل کو پیاز شلجم چقندر اور کدو بھی ناپید ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی 10 گنا بڑھ جائے گی, اور لالچی دکانداروں نے بھی جتنی بھی ان کے پاس بے حد و بے حساب چیزیں ہیں انہیں نایاب ظاہر کرتے ہیں. اگر ان کا دشمن سے رابطہ ہو جیسا کہ باس کا ہے بھی تو قیامت ہوگی. لوگوں کی دال روٹی کو اپنے باپ کے خون بہا کی قیمت پر بیچ رہے ہیں. میرے خیال سے مصعب کے لشکر کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کوفے کی آشفتگی کو سنبھالنا ہوگا. مطلب کیا کرے ان لالچی تاجروں اور دکانداروں کا آخر کیا کیا جائے؟ اگر چند افراد کو سزا دے دیں تو باقی فوراً سیدھے ہو جائیں گے. جنگ کے باعث پڑ جانے والی قحط سالی کا خوف دشمن کی چال ہے تاکہ ہمیں کوفے کے اندر ہی مصروف کر دے. اگر ہم ان لالچی تاجروں اور دکانداروں سے نمٹنے میں ہی مصروف ہو جائیں تو دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفے کے دروازے تک آ جائے گا اور جنگ کو شہر کے اندر تک لے آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کو اتنی مہلت دے دیں کہ وہ شہر کے دروازے تک آ جائے. لوگوں کا قحط سالی سے ڈر اور کھانے پینے کی قلت سے نبٹنا مقدمہ جنگ ہی ہے. جب تک ہم اس رکاوٹ کو ختم نہیں کریں گے تب تک جنگ کے اچھے انجام کی فکر بھی غلط ہوگی. ایسے برہم حالات میں کوئی بعید نہیں کہ ہم فوج کے کھانے پینے کے انتظام سے بھی قاصر رہ جائیں. کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے. یہ سپاہیوں اور ناظم شہر کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو ختم کر ڈالیں. سپاہیوں کا محکمہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا, خفیہ سپاہیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا. ناظم شہر حق بجانب اسماعیل, جو کچھ میں نے آج خود کوفیوں کے اندر دیکھا ہے کچھ بعید نہیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو نوچ لیں. یہ سازش بہت گہری اور سوچی سمجھی ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ دشمن ہم سے روبرو ہونے سے خوف زدہ ہیں, لہذا وہ کوفے کے اندرونی آشوب اور طوفان پر امید لگائے بیٹھا ہے. ابن حر کی پچھلی ہنگامہ رائی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ مصعب اور اس کا مکار مشیر محلب ہمیں کوفے کے اندر ہی مفلوج بنا دینا چاہتا ہے. یہ احتمالی بات نہیں ہے صاحب, یقیناً ایسا ہی ہے. زبیر کے بیٹے میدان جنگ میں خدا کی فوجوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ تو طے ہے کہ انہیں ہمارے جنگی انداز کی خبر ہے, اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کی قوت 10 پر 1 کی ہے. ہمارا شامیوں کے اتنے بڑے ڈھیروں ڈھیر لشکر پر اور جدلی کا بغیر اسلحے کے مکے میں غلبہ پا جانا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آل زبیر ہم سے لڑنے سے خوف کھاتے ہیں.
लिहाजा वो लोग हीलों और मक्कारियों का दामन थाम रहे हैं। आज उन्होंने कहात के खौफ को आलायकार बनाया है और कल अरब और अजम का तनाजा उठाएंगे और परसों ही अफवाह उड़ा देंगे कि इब्राहिम और मुख्तार के दरमियान नाचाकी हो गई है। जब तक इन लोगों की जड़ें न काट दी जाए इनका खतरा टल नहीं सकता। आप लोगों में से हर एक की राय अपनी जगह पर माकूल और काबिल कबूल है। मैं बिन शुमैद की राय से मुत्तफिक हूं। खुदा ने दुश्मन के दिल में हमारा रूप बिठा दिया है, ये एक बड़ी नेमत है। जुबैर का मनहूस बेटा कूफे को मुस्लिम इलाकों की दुल्हन शुमार कर चुका है और उससे निकाह करना चाहता है, और उसका खुतबा निकाह वो पहले ही पढ़ चुका। खुदा ने चाह तो उसकी शादी को अजा में बदल के रख देंगे। बिन शुमैद, बिन कामिल और कियान, तुम लोगों का काम यह है कि फौज को नुखैरा की तरफ निकलने की खबर सुना दो और अपने आप को भी सफर के लिए तैयार कर लो। बिन शुमैद फौज का सिपहसालार है, उसका हुक्म मानना सबके लिए लाजिम है। और मैं साहिब इस्माइल और अब्दुलरहमान के साथ मिलकर कूफे की हालत को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। खुदा हाफिज़ अबू इसहाक। खाने पीने का सामान न होने से आजीज हो गए हैं। ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी हैं और अनाज को जमा करना शुरू कर दिया। सब लोगों के खाने पीने का मसला आज ही हल हो जाना चाहिए। फिर फौर कूफे के तमाम बड़े ताजिरों और दुकानदारों को हाजिर किया। जी हम ये तमाम अफराद कूफे के सबसे बड़े और नामवर ताजिर हजरात हैं और अवाम के खाने पीने के सामान की नब्ज़ इनके हाथ में है। तमाम शहर के साधु सामान और अनाज वगैरह की कीमतों के उतार चढ़ाव और माल की कमी बेशी इन लोगों के इरादे के तहत होती है। साजो सामान और अनाज की कमी, कहत साली और महंगाई वगैरह जो कि झूठ और गलत है, वो भी इन पुरखौफ व खतर दिनों में एक जालिमाना और गैर मुनसिफाना बहरान है। कानून और अदालत इन हजरात से मुबैन जवाब मांगता है। वैलुन लिल मुतफ़फ़ीन।
क्या इस आयत की तिलावत का निशाना हम लोग हैं? हाँ, आप लोग ही हैं। क्या कुरान के हुक्म से गाफिल थे आप लोग? इस खुले अजाब से खौफ नहीं खाया आप लोगों ने, जिसका अल्लाह ने कम फरोशी करने वालों के बारे में कहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, जिन लोगों ने मौला हुसैन पर पानी बंद किया था, उन लोगों में और इनमें क्या फर्क है जो राय हुसैन के मुजाहिदों से अनाज और खाने की अशिया को रोकते? खुदा की लानत है कम या महंगा बेचने वालों पर। अमीर ने हुक्म दिया कि हम आए और मौजूदा महंगाई और माल की कमी पर सर जोड़ कर बैठें और हल निकालें। आपके खिताब से ये नजर आ रहा है कि हम लोग ही मुल्ज़िम हैं। आपको नहीं लगता कि कोई गलतफहमी हुई है? आप लोग जाने या अनजाने में दुश्मन का साथ दे रहे हैं और इसके खेती बाड़ी की आपपाशी कर रहे हैं। इस हुकूमत ने आपका क्या बिगाड़ा है, बल्कि माली हिसाब किताब में आपके मफादात का ही लिहाज किया है। क्या ये तय नहीं पाया था कि हुकूमत का हमेशा साथ ही देंगे, ना कि उसकी जड़ों को काट डालें? जड़ काटने वालों के हाथ कट जाएं। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? ये मौजूदा आशुफ्ता हाली और बाजारों का बंद हो जाना और महंगाई, आखिर क्या है? हमारे क्या कसूर है जनाबे उबैदा? जंग की कैसाली का डर और लोगों के हवस से खरीद माल कम पड़ जाने की असल वजह है। जब लोग अपनी रोजाना माहाना जरूरत से भी ज्यादा खरीदारी कर लें तो गोदाम खाली हो जाते हैं और दुकानें बंद हो जाती हैं। जब माल नहीं होता तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देता है ताकि कम गालियां सुने। माल क्यों नहीं है? क्या अनाज को कीड़े खा गए? इससे भी बदतर है जनाबे उबैदा, चंद दिनों से लोग दरिंदों की तरह हर चीज पर लपक रहे हैं। मुझ नाजिस का गोदाम भी दालों से भरा हुआ था जो तकरीबन एक साल तक चल सकता था, जिसमें कीड़े पड़ जाने का खतरा था। आप यकीन कीजिए, पिछले 2-3 दिनों के अंदर मेरी दुकान हथेली की तरह बिल्कुल साफ हो गई है। कूफे का बाजार अरबों की तिजारत का सबसे बड़ा मरकज रहा है। इसके गोदामों का जखीरा कम से कम 3-4 साल की कहत साली से निमट सकता है। बावसू खबरों के तहत अब तक जो भी सामान बिका है वो सिर्फ कुछ हल्की कीमत वाली हल्की नौयत की चीजें थी। ये बात वाजे है कि बाजारों की मौजूदा पुराशोभ हालत दुश्मन का ही एक फितना है ताकि हुकूमत के घुटने टेके जा सके। अदालत के मौजूदा अराकीन, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं कि इन्हीं हजार में से बाज अफराद कुछ अजनबी और मशहूर खरीदारों के साथ लेन देन रखते हैं। उन अजनबी और मशहूर अफराद ने सारे गोदामों के माल को एक साथ खरीदा है ताकि कुफे से बाहर ले जा सकें। उनका खरीदा हुआ बेशतर माल आटा, गंदम और जो था। अफसोस की बात यह है कि गंदम के 2-3 बड़े बड़े ढेर कुफे से बाहर ले जाए गए हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये अजनबी खरीदार हजरत दुश्मन के आदमी हैं और अपने लश्कर के खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, या फिर इन हजरत ने दुश्मन के साथ कोई सौदा कर लिया है और अपनी ही फौजों को चोट पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जब हम अपनी फौज को अशियाए खुर्दनोश मुहैया न कर पाएंगे तो हम पहले ही जंग हार चुके हैं। जिस फौज को खाना मुयसर नहीं, उस फौज में लड़ने की कहां ताकत रहेगी? उन तमाम हजरात के नाम और उनके मामलात की कैफियत तफसील के साथ मौजूद है, अगर मसलियत जाने तो हाजिर कर दूंगा। हम ताजिर हैं जनाबे साहेब, हमारा काम खरीदो फरोख्त है। जब एक अच्छा खरीदार मिल जाए और माल की अच्छी कीमत अदा करे तो ये तिजारत का कानून है कि मामला तय हो जाना चाहिए, ये नहीं कि खरीदो फरोख्त रोक दें। ये गुनाह से भी बदतर उजर है। क्या आप लोग बहरे थे जो जंग के नकारों की आवाज नहीं सुन पाए? तिजारत के कायदे कानून होते हैं, कबूल किया, मगर इंसाफ और मुरव्वत का कानून कहां गया? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या ये ठीक है कि अपने मुनाफे के लिए अपने आप पर और लोगों पर जुल्म करो? बेशक इंसान गलती का पुतला है और ताजिर हजरात जाती तौर पर मफाद परस्त होते हैं। शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, हम लोग मुनाफे के लिए तिजारत करते हैं। हो सकता है ना चाहते हुए और गलती से दुश्मन के झांसे में आ गए हों और उसके हक में कोई मामला कर बैठे हों, मगर ये कहना हरगिज दुरुस्त नहीं कि हम दुश्मन से हाथ मिलाए हुए हैं। यकीन करें, सब कुछ सच कहा है।
तो तुम लोगों ने मान लिया कि तुम लोगों की ये लालच और जहालत ही मौजूदा कैफियत की असल वजह है। पर खुदा कसम, अगर इकरार न करते कि गलती महज अनजाने में सरजद हुई है और फकत मुनाफे के लिए तुम लोगों ने इस तैयार के मुस्तहिक लोगों के हक में जफा किया, तब मैं तुम लोगों को वही सजा देता जो मैंने शिम्र, खूली और हुरमला को दी थी। साहिब, इन हजरात के गोदामों का तमाम तर मौजूदा माल लिख कर जब्त कर लिया जाए। आज से लोगों की जरूरियात को गोदामों में जमा करना जुर्म है और अब एक बोरी भी कूफे से बाहर नहीं जाएगी। कुछ मौजूदा माल बाजारों की तरफ भेज दो ताकि कीमतें बदल जाएं। अब्दुल रहमान, तुम भी इस्माइल के साथ कूफे के हर घर की असल जरूरत को मुहैया करके उन्हें हवाला दोगे ताकि उसके मुताबिक खरीदारी करें। और हाँ, जरूरत से ज्यादा खरीदना भी जुर्म शुमार किया जाएगा और मुजरिमों को शदीद तरीन सजा सुनाई जाएगी। जश्र अकबर से निकलकर हरूरा में पड़ाव डाला है उन्होंने। मैंने भी वही तादाद देखी जो अबू उमरा ने काफी पहले देख ली थी। उनकी सिपाह की तादाद का कोई खौफ नहीं है बिन वहाब, हमें उनकी चालबाजों से मोहतात रहना होगा। यहाँ से हरूरा तक कितना फासला है? कम से कम 2 मंजिलें। दुश्मन से 1 मंजिल पीछे पड़ाव डालेंगे। की फौज हरूरा में पड़ाव डालकर अपनी उर्दू गाह को तरतीब देने में मसरूफ है। उनका सिपा सालार एक अहमद इब्ने शुमेत नामी शख्स है जो कूफे के नामवर बहादुरों और जंगजुओं में से एक है। अहमद तमाम तर अरबों की शुमाली जंगों में शामियों के खिलाफ अश्तर के बेटे के साथ था और तदबीर और लश्कर की आराइश और मैदानदारी में हर तरह से हरीफ और माहिर है। बिन शुमेत, ये नाम सुना हुआ है।
तुम्हारे ख्याल से उनके लश्कर की तादाद अंदाजन कितनी होगी? जो तादाद मैंने देखी है कमोबेश 20,000 अफराद है। 20,000? क्या मैंने ठीक सुना है? जी अमीर, इससे ज्यादा ना हो तो इससे कम भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे जासूसों और मुखबिरों ने अब तक हमसे झूठ बोला है। नजरें जमीन पे क्यों गाड़ ली? क्या कोई गलत बात की है मैंने? चलो जनाबे बिन हजाज, जनाबे बिन अशस, तुम लोग जो मुख्तार के खौफ से कूफे को छोड़ आए और ये दावा करते हो कूफे और कूफियों को अपनी हथेली की तरह जानते हो, कैसे इस कदर गलत फैसला कर गए अपने अंदाजों में? तुम लोगों का तो ये कहना था कि मुख्तार अगर बहुत ज्यादा भी जोर लगाए तो सिर्फ 10,000 बहादुरों को किराए पे लेकर हमारी जानिब रवाना कर सकता है। या तो तुम लोग कूफियों को अच्छी तरह से नहीं पहचानते या तुम्हारे जासूसों ने खयानत की है। अगर इसके अलावा कुछ है तो बताइए ताकि हम भी बाखबर हो जाएं। ये मुख्तार कज़्ज़ाब को एक जादूगर लगता है। मुझे पक्की खबरें मिली हैं कि कूफियों की अक्सरियत मुख्तार के खिलाफ हैं। इसका मतलब तो ये हुआ वो 10,000 जंगजू कूफे की माओ की औलाद नहीं है। मुख्तार ने कोई फिर पड़ा और 10,000 जिन्नात का लश्कर हासिल हो गया और उन्हें बिन शुमैत के साथ हमसे लड़ने के लिए भेज दिया। सही है ना? क्या कह सकता हूँ अमीर, मुख्तार आवाम को धोखा देने में अजीब सी महारत रखता है। जब हमने हंगामाराई की थी तो अफवाह उड़ा दी गई थी कि मलाइका उनकी मदद के लिए आ गए हैं और अहमक लोगों ने यकीन भी कर लिया। आप परेशान क्यों हैं अमीर? बिलफर्ज ये मान लेते हैं कि जनाब इब्ने हुर ने फौज की सही गिनती की है और फर्दन फर्दन गिना है जिसमें गलती का कोई इम्कान नहीं। हमारी फौज उनकी दुगनी तिगनी तादाद में है, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी परेशानी मुख्तार की फौज की तादाद के सबब नहीं है बिना जाज, मेरी परेशानी यह है कि हमारे इतने दुश्मन के बारे में जो मालूमात है वो गलत क्यों है। अगर हम इन गलत खबरों पर भरोसा करके दुश्मन से मुकाबले पर जाएं तो हार भी सकते हैं। अमीर ने हमारी कमजोरी और दुश्मन की ताकत का खूब अंदाजा लगाया है। हम उनके सही सवाल का बगैर नाप तोल के क्यों जवाब देना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं अमीर। मुख्तार के लश्कर के ज्यादातर लोग अरब नहीं अजम हैं। मैं जनाब बिन अशस की राय से मुत्तफिक हूं। कूफे के अरब और शरीफ जादों को मुख्तार और उसकी हुकूमत कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हत्ता के हुकूमत के अफराद में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जबरन मुख्तार और उसकी हुकूमत की हिमायत करते हैं। ये ना होता तो मैं कभी सिर्फ चंद अफराद के साथ मुख्तार की जड़ों तक नफूस करके अपनी बीवी को भगा नहीं पाता। इब्ने हुर, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हम सब जानते हैं कि अजम हजरात मुख्तार के फिदाइयों की बड़ी तादाद में है और अपनी जान के सौदे पर उसकी हिमायत करते हैं। मैंने बारहा ये सुना है कि मुख्तार के लश्कर में जबान अरब बिल्कुल अजनबी सी है। हाँ बिल्कुल हक बजानिब है। खसलत मुख्तार ये है कि अपने हीलों से अपने हरीफ को तशवीश में डाल दे। मेरी राय यह है कि अमीर के पास मुख्तार से मुकाबला करने के लिए ज्यादा मोहकम मौकफ मौजूद है। जनाब मोहल्लब, मुख्तार के सहर व जादू तोड़ने में और जंगी मुश्किल ग्रहों को खोलने में यकताए जमाना है। बेहतर ये होगा कि इन जैसे के होते हुए अमीर गुस्सा न करे ताकि तमाम सिपाही भरपूर अंदाज में मैदान में उतर सके। जब मुख्तार के लश्कर की अक्सरियत आजम है तो बिन शुमैत अगर समझदार सिपह सालार होगा तो उसे अपने फौज के सलीके और महारत के मुताबिक जंग करनी होगी। खूब, तो गौर फरमाइए अमीर, मुख्तार की फौज हमारी फौज की एक तिहाई है। ईरानी हजरात ऐसे हालात में अपने सर छुपा लिया करते हैं, कछुए की तरह दिफाई जंग करते हैं न कि हुजूमी। तो वो लोग अपनी पूरी उर्दूगाह के चारों तरफ यकीनन खंदक खोदेंगे और खंदक की खुदाई उनकी आधी तवानाई को खत्म कर देगी।
आप यूं ही समझिए कि आपको सिर्फ 10,000 जंगजुओं से लड़ना है। हाजिर हैं। तवज्जो कीजिए, दुश्मन के लश्कर की कसरत और हमारे लश्कर की किल्लत के जेर नजर अपनी उर्दू गाह के चारों तरफ हमें जंगे अहजाब की तरह खंदक खोदना होगी ताकि हर लिहाज से महफूज रहे। ये राय बुरी नहीं है। तुम्हारी क्या राय है बुमरा? चाहे जो भी हो, खंदक की खुदाई एक जंगी हरबा है जो ईरानियों से मखसूस है। मेरे ख्याल से जनाब बिन वहाब मजाक कर रहे हैं। मैं जाती तौर पर मजाहिया मिजाज रखता हूँ, मगर खंदक खोदने के सिलसिले में मजाक नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम खंदक खोद के दुश्मन को नाकाम बना देंगे। खंदक की खुदाई, वो भी इस पथरीले बयाबान में? ये तो खिलाफ मसलहत है। जनाब अबू उमरा, क्या आपके पास इस मुखालफत के लिए कोई दलील भी है? एक तो ये कि खंदक खोदना एक शहरी दिफा का तरीका है। जिस बयाबान में दुश्मन मैदान जंग को लम्हा ब लम्हा बदल सकता है, खंदक की खुदाई एक बेहूदा शय है। दूसरा नुक्ता, खंदक की खुदाई का मतलब दुश्मन की ताकत को कबूल कर लेना। दुश्मन की ताकत का इकरार यानी उनके जोश और जज्बात को दुगना कर देना और हमारे अपने लश्कर के जज्बात को कमजोर कर देना। तीसरा नुक्ता, खंदक की खुदाई यानी दिफाई तौर पर सर छुपा लेना जबकि हम दुश्मन पर हुजूम करने आए हैं। चौथा नुक्ता, खंदक की खुदाई फौज की तवानाई को जाया कर देगा, लश्कर थक जाएगा, थकी हुई फौज की जंगी तवानाई कम हो जाती है। पांचवा नुक्ता, काफी है, काफी है अबू मुरा, मैंने और मेरी सात पुश्तों ने हार मान ली। भाइयों, मुझे लगता है अबू मुरा के दलाइल माकूल और जानदार हैं। इब्ने वहाब, अपने जासूसों से कहो दुश्मन की तमाम तर हरकत को हूबहू बताएं। खुदा ने चाहा तो हम हरूरा को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। तुम हमेशा इसी तरह खाना खाते हो? कैसे खा रहा हूं? इश्तिहा के साथ और हिर्स के साथ। एक जंगजू के लिए खाना बिल्कुल ऐसा है जैसे शेर के लिए शिकार, इस पर हमला करना पड़ता है। ताबीर अच्छी है तुम्हारी। तो फिर हम जो इत्मीनान से खाना खाते हैं जंगजू नहीं कहलाएंगे? हर काम के लिए अलग फलसफा होता है। जंग के वक्त पर शुजात, नमाज के वक्त पर इताअत, कजावत के वक्त पर इंसाफ, अमीरी के वक्त दरायत, खाने के वक्त शकावत और सोने के वक्त रहने दो। तो फिर हमें भी सिखा दो कंजूस। देख के खुद सीख लो बंदे खुदा। किसी ने तुम्हारे हाथ पांव तो नहीं बांधे? आंखें देखने वाली, कान सुनने वाले, जबान बोलने वाली, उम्र भी कमाल की है और अकल बेहिसाब है माशाल्लाह।
ظاہر نصیب تمہارے، کاش تمہارے یہ فلسفے ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوتے. کیوں نہ ہو جانے دل، بتائیے. سب سے بڑی برائی مختار ہے مؤلف، مختار. مختار سے مقابلہ کرنے کی فکر نے ہمارا کھانا پینا اور نیند حرام کر دی ہے. اب تو نماز میں بھی زیادہ شک کرنے لگا ہوں. تو اسی لیے جماعت پڑھانا چھوڑ کے فرادہ نمازیں پڑھتے ہو؟ کیا کروں، جو امام جماعت شکی ہو اس کی نمازیوں کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی. کیا تازہ خبریں لائے ہو اے بنی زبیر کی تیز نظروں والے عقاب؟ امن و امان ہے شہزادے. مختار کے بیلچے اور کلہاڑیوں کی کیا خیر خبر؟ بیلچوں اور کلہاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہو؟ امیر، جناب ابن عور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آ جائیں. تم نے حسد کیا تھا تو میرا کھانا حرام ہو گیا، یہ لیجیے وہ عجوبہ آ گیا. اب ہمیں مجبوراً شیروں کی شجاعت چھوڑ کر انسانوں کی طرح کھانا کھانا پڑے گا. مجھے اجازت ہے امیر. آ جاؤ ابن حور، آؤ بیٹھ جاؤ. اجازت کے لیے مشہور ہوں. اچھے موقع پر آئے ہو، بسم اللہ، زہرانہ تناول کرو. آپ نوش فرمائیے، میں ممنون ہوں. معافی چاہتا ہوں، غلط وقت پر مزاحم ہوا ہوں. خبر ہی ایسی ہے کہ مجھے لگا جو وقت ضائع ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جانی چاہیے. لشکر بن شمیت نے جناب محلب کی پیشگوئی کے مطابق بالکل نہیں کیا. مطلب کیا نہیں کیا؟ اپنی اردو گاہ کے گرد خندق نہ کھودی ہے نہ ارادہ ہے. ظاہر بن شمیت خندق کی کھدائی پر مائل تھا، مگر کیسانِ ابو عمرہ نے اس کی رائے ٹھکرا دی. کیا ابو عمرہ بھی بن شمیت کے ساتھ آیا ہے؟ جی ہاں آیا ہے. تو پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ کیونکہ مجھے ذرا برابر بھی یہ گمان نہ تھا کہ کیسانِ ابو عمرہ ایک عام سپاہی کی طرح بن شمیت کے رکاب میں حاضر ہوگا. پہیلی تو یہ ہے کہ ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے مختار نے اپنے لشکر کی سپہ سالاری بن شمیت کو کیوں دے دی؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابو عمرہ مختار کے غضب کا نشانہ بنا ہوا ہے. کیسے؟ جہاں تک میں نے سنا ہے، جب ابو عمرہ کو حرملہ نے ایسا داغ دیا اسے خانہ نشین بنا دیا، کچھ عرصے تک ہر شخص اور ہر چیز پر شک کرنے لگا تھا، حتیٰ کہ مختار اور اس کے قیام پر بھی. یہ شک مختار پر بہت گراں گزرا. اب وہ کیسے کمر سیدھی کر کے حرورہ کی طرف آ گیا اور مختار نے اسے رضامندی بھی دے دی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے. ہاتھی کو پیالے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں؟ بہت خوب، اس سے زیادہ اچھا ہرگز نہ ہوتا. کیا کوئی منصوبہ ہے تمہارا؟ منصوبہ فقط یہ ہے کہ جناب ابن حر ان میں پھوٹ پڑوائیں گے. ثابت کرنا ہوگا کہ میں زین کا چور. بھائی میں ہوں زین کا چور، گربان چھوڑو، مسئلہ ختم کرو.
ये लोग अनकरीब तलवार खींच लेंगे। अगर किसी का खून बहा तो तुम गुनहगार होगे। तुम्हारे घोड़े की तो चांदी जड़ी हुई सीन थी ना, या फिर तुम छूटे हो या फिर दुश्मन के जासूस होगे। साबित होना चाहिए कि इस फितने की जड़ तुम थे। क्या गलती कर दी मैंने? कैसी जड़, कैसा फितना? मेरी जबान लड़खड़ा गई और गलत बात कह गया। मुझे जाने दो मेरे भाई। तमाश मत करो, तुमने तोहमत लगाई है तो अपनी बात पर कायम रहो। मरहबा अरब, आजम पर दुरूद। क्या अमानतदारी दिखाई है? क्या यही था अपने आदिल अमीर की इताअत का तरीका जिससे आपने अपने मजलूम इमाम के खून के किसास के लिए बेयत की थी? क्या एक मुसलमान एक शख्स की मासियत को अपनी कौम और जात के खिलाफ समझ बैठता है और गला फाड़ के फौज कलामी शुरू कर देता है? तुम लोगों को क्या हो गया था जो अपने गुस्से को लगाम न दी? क्या क्या तुमने सुना? इन लोगों ने अजम की तोहिन की है। क्यों नहीं, मैंने भी सुना। जो अजम चोर होगा उसे चले जाना चाहिए, और झूठा अरब दीवार पे दे मारने के ही काम आ सकता है। क्या ये सब तोहीन है? ये तोहमत है कियान, एक गलत तोहमत। हाँ तोहमत है, तो क्या झूठी तोहमत पर फौरन तलवार उठा लेनी चाहिए या उसे अदालत में ले जाना चाहिए? तो क्या तुम लोग काजी उल कुजा थे जो एक गैर साबित शुदा तोहमत पर खुद ही हुक्म लगा बैठे और सजा भी दे दी? ये शैतान का काम है बुमरा। एक चश्मे जदन में शैतान ने इस कौम के ईमान को अपने झाड़ू से समेट लिया और ले गया। इनकी अरबी गैरत की रगें फूल गई कि अनकरीब इनका दम घुटने वाला था। मैं इन लोगों की बदकलामी की खातिर शर्मिंदा हूं। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार? जो शख्स अरबों की एक जाहिलाना खसलत के खिलाफ खड़ा है वो तो सर बुलंद है, ना कि शमसार। मुझे तो ताज्जुब है कि मुतासब अरब और अजम खुदा के लश्कर में क्या कर रहे हैं। कौम परस्त इंसान शैतान का सिपाही है। मेरी मदद करो बहादुर कियान, मुझे इतनी शिद्दत से दबोच रहा है कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा। छोड़ दो इसे कामिल, ये भाग जाएगा ज्ञान। अब भागने का वक्त नहीं बचा इसके पास, छोड़ दो। देखा आप लोग, छोड़ दो। अगर इसकी दाढ़ी में दिन का ना होता तो क्या वो भागता? मुझे यकीन है कि वो दुश्मन का जासूस है। नहीं, ये तो नहीं। इन लोगों को समझाना पड़ेगा जो छोटी सी बात पर गैरतमंद बन जाते हैं। जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। किस कबीले से हो? कबीला बनी हमार से हूँ। मेरे कबीले से क्या लेना देना सरदार? मैं एक दिल जला अरब हूँ जो एक जालिम मालिक के जुल्म के जख्म खाया हुआ हूँ, जो दीन के नाम पर मुझसे गधों की तरह काम लेता था। मुख्तार का सिपाही बन गया ताकि उसकी रकाब में गैर अदलाना हरकतों का किला कमा कर सके। क्या खूब किला कमा किया तुमने। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं गुस्सा हो गया, और गुस्से वाला आदमी गधा होता है। जब एक अरब के पास घोड़ा है और उसके घोड़े की भी एक जीन है जिस जीन पर लालच की जा सकती है उसे चुराने के लिए, इसका मतलब वो कोई माहिर जंगजू है। तो वो किसी गिरोह, किसी दस्ते, किसी से ताल्लुक तो होगा। तुम किस दस्ते के रुकन हो? दस्ता? कैसा दस्ता? मैं बेनाम निशान खिदमत करना चाहता हूँ ताकि रियाकारी ना हो जाए। तुम वाकई कबीला बनी हमार से होगे, वरना तुम कम से कम हमें भी अपनी तरह गधा ना समझते। हमारी लश्कर का ऐसी कोई लावारिस नहीं कि हर अरा गरा मुंह उठाए और चलाए और जो जी चाहे कर जाए। हमारी उर्दू गांव में बेनाम और निशान लोग
नामवर तरीन सिपाहियों में से हैं। क्या तुम लोगों में कोई ऐसा है जो इस मशकूक अरब को जानता हो? पता नहीं कौन है। चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता, इससे पहले कभी नहीं देखा, न जाने कौन है ये। ये तो जासूस लगता है। हमारे दरमियान तो नजर नहीं आया ये। अगर तुम क्लार्क जोन कर लेते तो तुम्हारी निजात की उम्मीद बाकी रहती। क्या बात है, गूंगा हो गया है क्या? अब बोलते क्यों नहीं, ये क्या काम था तुम्हारा, बोलो। बताता हूँ, बस मुझे डराइए मत, अब मारिए नहीं, मुझे डराए तो मैं हकलाने लग जाऊंगा। अमीर अमीर अमीर। ठीक है, इसे कोई भी कुछ ना कहेगा। तुम्हारा क्या इरादा था और क्यों? मैं जालत की सरदार चंद बेहसत सिक्कों की लालच में बिक गया था। मैं उस मनुज इब्ने हुर ने मुझे दरबदर कर दिया। ये तय पाया था कि उसके सिपाहियों के साथ आपके सिपाही को लिबास पहन ले और आपके उर्दूगाह में दाखिल हो जाए और अरब अजम को एक दूसरे का दुश्मन बना दे। अच्छा, और कहां तक कामयाब हुए? अजम पर चोरी का इल्जाम लगाया, उनके लहू ने जोश मारा, एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया और अरब हमारे साथ मिल गया और हमने ये नारा लगाना शुरू कर दिया, अजम तो झूठा है, दफा हो जा, अजम तो चोर है, दफा हो जा। अन करीब अरब और अजम एक दूसरे को काट देने वाले थे कि जनाबे किसान अबू उमरा वहाँ पहुँच गए और अजमों के गुस्से की आग को ठंडा कर दिया। तुम्हारे बाकी साथियों का क्या हुआ? मेरे बाकी साथी तो भाग निकले। आखिर तुम कैसे भाग न सके? भला लंगड़ा शख्स भी कभी भाग पाया सरदार? अगर मेरे पास भागने को पांव सही और अकले सलीम होते तो मैं अपने हुर के जाल में कभी ना फंसता। लगता है कि जुबैर के बेटे ने अपनी फौज के सिपाहियों से उम्मीद कता कर ली है, शायद इसीलिए वो इन औरतों वाली चालों पर तकिया कर रहा है। उसे ये साबित कर दूंगा कि इस मैदान में भी उसकी चाल नाकाम हो गई है। इसकी आंख कान और नाक नोच लो और दुश्मन की उर्दूगाह की तरफ रवाना कर दो। रैप कीजिए सरदार, रैप कीजिए, आप खुदा से ज्यादा नजदीक तर हैं सरदार, रहम कीजिए, मेरे पीछे बाल बच्चे भी मौजूद हैं सरदार। मैंने रहम खाया है तुम्हारी जान बख्शती बालून, इन कामिल हुक्म की फौरन तामील की जाए। सरदार रहम, हाँ सरदार, अब सरदार मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे? सरदार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं शुक्रगुजार हुआ मुमरा, हमेशा की तरह आज फिर तुम्हारी अकलमंदी की वजह से एक बड़ा फितना फैलने से पहले ही खत्म हो गया। सुनो बिन शुमे, दुश्मन के लश्कर में एक मुहल्लब जैसा सियासतबाज मौजूद है जो अपने हरीफ को तबाह करने में उस्ताद माना जाता है। जो भी आवाज तफर्रुके की बू के साथ सुनाई दे तो समझ लेना कि दुश्मन के गले से निकल रही है।